हेलो गाइज, देखो मैं नहा धो के आ गया हूँ। तो गाइज, आज हमने ली है नई चीज़ जो वीडियो में आप देखोगे आगे। तो सुबह सुबह की चाय हम पी रहे हैं गुड़ की टपके के साथ। सुबह की चाय गुड़ की टपके के साथ पहाड़ी स्टाइल में। तो गाइज देखो, मैंने तो नहा धो लिया हुआ है। मैं कैसा लग रहा हूँ जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि मैंने आज 1 महीने के बाद नहाया है। तो गाइज आज हमारा खाने में बन रहा है भटिया। आज हम पहाड़ी खाना बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पकोड़े की तैयारी हो चुकी है। तो गाइज ये हमारी छत की सब्जी है, और ये है भट्ट जो हमारे भीग चुके हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लव यू। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज उठ के नहा धो लिए और चाय वाय भी पी लिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड करेंगे पूजा पाठ और मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। साथ में ही छत में हमने मशीन भी लगाई है जो कपड़े छत में धुल रहे हैं। तो गाइज फटाफट से मैं तो बनाने देती हूँ नाश्ता हस्बैंड के पूजा करने तक, उसके बाद मैं छत में कपड़े देख के आती हूँ। कपड़े की मशीन लगाई है, वो भी साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं। तो गाइज मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, आज धूप आ रही है, कपड़े तो फटाफट से सूख ही जाएंगे। और पता है अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हल्की हल्की होने लगी हैं, तो ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो गाइज कपड़े जो गर्मी वाले हैं अब रखने के लिए, सारे मैंने अलग से रख दिए जो मैं ऑफिस को नहीं पहनूंगी। तो ये सब कपड़े मैंने आज अब पैक करके रख देने हैं इन सब की, मुझे अभी फ़िलहाल तो आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरे 5-6 कोट हैं जो मैं उनको फ़िलहाल अभी नहीं पहनने वाली हूँ। और यहाँ पर धूप में रजाई वगैरह भी सुखा रखी हैं, इस साइड में ब्रोनो के कपड़े भी सूख रहे हैं। तो गाइज अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, उसके बाद छत में जाके कपड़े धोने का कार्य करते हैं। यहाँ पर तो हमारे कपड़े धुल रहे हैं और ब्रोनो जी यहाँ पर आराम से धूप में सोए हुए। ले ब्रोनो, देरी रोटी। ब्रोनो को सूखी रोटी ज़्यादा पसंद है, पर अभी उसका मूड नहीं है, नहीं खा रहा है। तो गाइज कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं। गाइज यहाँ पर तो जो है सरसों रखी है, मैंने इतनी सारी तोड़ भी ली, क्योंकि इसकी सब्जी तो नहीं बना सकती क्योंकि थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ इसके पकौड़े बना लेती हूँ। तो गाइज मैंने जो छत से हमारी सरसों है, इसके मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ। इस सरसों तो गाइज सरसों तो मैंने काट ली है, ज़्यादा नहीं तोड़ी, क्योंकि ज़्यादा काटने से फिर पता क्या, ये पकौड़े बनाऊंगी मैं इसके। ये लाई है, सरसों नहीं है, कह तो रही हूँ। हाँ तो देख लेना, ठीक है। तो गाइज ये है, ये सरसों है और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं लाई है, सरसों है। इतने छोटे पत्ते सरसों के होते हैं, लाई के होते हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। नहीं बड़े, इतने ही होंगे, ये सरसों है कह रही हूँ मैं, कमाल है, अपनी जिद करते। तो गाइज मैं तो नीचे जा रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए। सरसों का दाना बड़ा होता है, तो दाना बड़ा है तो पेड़ तो छोटे छोटे हो रहे हैं ना। ये सरसों है, तुम लाई कह रहे हो, लाई नहीं है ये। हाँ ठीक है, ठीक है, जब बड़ी होगी रख लो, ठीक है। तो गाइज बहस तो करने दो मुझे, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सरसों है तो उसको सरसों ही बोलूंगी ना, लाई कैसे बोलूंगी। ये जबरदस्ती लाई बोल रहे हैं तो मैं तो लाई नहीं बोलने वाली। तो गाइज अब मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाके फटाफट से खाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइज नाश्ते में तो मैंने बनाया दलिया, क्योंकि दलिया थोड़ी हल्का होता है। दिन का लंच में थोड़ी अच्छा बनाऊंगी, हैवी बनाऊंगी। तो गाइज नाश्ते में दलिया बनाया, तो हस्बैंड को देके आते हैं छत में फटाफट से। तो यस गाइज मैं भी कर लेती हूँ मस्त दलिया वाला नाश्ता। आज हमने नाश्ते में बनाया है दलिया। तो गाइज मैं भी दलिया खा लेती हूँ, फिर मुझे ना गर्वित को भी लेने जाना नीचे, क्योंकि वो घूमने चले गया बच्चा अपने दोस्तों के साथ, नीचे गए। तो गाइज मैं भी फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ बालकनी में बैठ के। तो गाइज अब किचन में आ गए, तो भट निकाल लिए हमने, इसको धो लेते हैं। तो गाइज धोने के बाद भट ना इस तरह से हो गई, मिट्टी वगैरह सब निकल चुकी है। अब हमने इसको भिगाया तो इतने ज़्यादा फूल गए, भिगाना कम होता है भट को क्योंकि फूल ज़्यादा जाते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको दरदरा पीस लिया, दरदरा इसलिए पीसा क्योंकि तभी इसका स्वाद अच्छा आता है। तो गाइज लोहे की कढ़ाई में हो रहा है गर्म पानी, और लोहे की ही कढ़ाई में भटिया को बनाना होता है तभी ज़्यादा स्वाद आता है। किसी में भी बना सकते हैं, बट लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा स्वाद आता है। तो हम तो बनाने जा रहे हैं
लोहे की कढ़ाई में। तो गाइज भटिया को ना धीरे धीमी आंच में पकाना होता है, तभी उसका स्वाद ज़्यादा आता है। तो गाइज यहाँ पर तो भट हमारे पीस चुके हैं और पकने के लिए हमने इसको रख दिया है। जब तक हमारा भटिया पक रहा है तब तक हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। तो गाइज ये हमारे पकौड़े बन रहे हैं, हमारे छत में हो रही थी सरसों, हमने उसी को काट के इसके पकौड़े बना लिए, क्योंकि प्याज व्याज तो खा नहीं सकते थे, तो हमने सोचा क्यों ना पकौड़े के ही आज हम कढ़ी बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर तो पकौड़े बन रहे हैं हमारे। अब हमारे तेल में हमने डाल दिया, तो ये हमने धुंआर डाल दिया इसमें, जो मेरी मम्मी ने हल्दोनी से भेजा था, और थोड़ी सी हमने इसमें जीरा डाला और लौंग डाला है। तो गाइज ये इसका कलर देखिए चेंज हो गया। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया कढ़ी का वो डाल देते हैं, बेसन का पेस्ट। तो गाइज वो डालने के बाद थोड़े इसको हिला लेते हैं अच्छे से। तो गाइज देखिए यहाँ पर हमारा बन रहा है भटिया, और एक साइड में बन रहे चावल और एक साइड में बन रही है कढ़ी। तो गाइज ये सब चीज़ें कढ़ी और भटिया तो हम सिम में रख देते हैं ताकि आराम से पकेगा ये। तो गाइज देखिए कढ़ी का कलर कुछ ऐसे हो गया, थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने पकौड़े बनाए हैं। तो गाइज आज संडे स्पेशल खाना जो है हमारा पहाड़ी खाना है। अगर हम इसके साथ पालक की सब्ज़ी बनाते और भी अच्छा होता, पर पालक खा नहीं सकते। तो गाइज देखिए खाना हमारा हो गया है रेडी। सबसे पहले हम दे देते हैं अपने पति देव को खाना, क्योंकि वो तो छत में ही बैठ के खाएंगे धूप में। तो गाइज खाना तो हमारा बिल्कुल हो चुका है रेडी। अब आई पार्थ की बारी, अब पार्थ को भी दे देते हैं खाना। और मैं तो गाइज खाती हूँ बिल्कुल कढ़ाई में, आराम से बैठ के मैं कढ़ाई में खाती हूँ। गर्वित को मैं उसके बाद खिलाऊंगी, क्योंकि गर्वित को खिलाना पड़ता है, वो खुद से नहीं खाता है। तो गाइज कढ़ाई में तो खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, बड़ा ही आनंद आता है कढ़ाई में खाना खाने में। अगर आपने कढ़ाई में कभी खाना नहीं खाया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, खासकर पहाड़ी भात साग दाल, जो भी पहाड़ी खाना होता है हमारा, वो सारी चीज़ें कढ़ाई में खाने में बड़ा स्वाद आता है। और मैं तो खा रही हूँ आज भटिया। पहाड़ी खाना तो मेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो गाइज फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना हो जाएगा ठंडा। वाह, खाना तो बड़ा ही अच्छा हो रहा है, बड़ा स्वादिष्ट हो रहा है। तो गाइज खूब मज़ा आ रहा है। आज संडे के दिन तो हमारा रहता है कि हम संडे के दिन कुछ स्पेशल पहाड़ी खाना ही बनाए। तो गाइज अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना। खा ले पार्थ। खा रहा हूँ। अच्छा ले लो। पेट में बीज जाता है, क्या होता है तो जो अगर इसके बीज पेट में जाते हैं ना, तो पेट में पेड़ उग जाता है, ठीक है। उस पेड़ में उगने से क्या होता है, क्या? तेरे पेट में जो पेड़ उगेगा ना, हा? इसका फिर उसमें ऐसे फल आएंगे, ये ऑरेंज जो हमने खाया था ना, ठीक है, फिर उसको हम तोड़ के खाएंगे। पापा से पूछ सच बात है या नहीं है, पापा से पूछ ले सच्ची बात है या नहीं है। मैंने खा पूजा, तूने खा लिया क्या पूजा? अच्छा इसने बीज खा लिया, अब क्या होगा इसका? मम्मी इसकी मूछें भी आ रही हैं, देखा आपने? ट्री ले जाएगा, ट्री अगर बड़ा हो गया फिर क्या करें? ये तो गड़बड़ हो गई गर्वित, तूने क्यों खाया बीज? मैंने नहीं खाया, मैंने थोड़ी देर को एक बार खा के देख, एक और खा। चेयर ले लेना अपनी, हाँ जो जगह करने का वो है उसका, ब्रूनो मत कर उसके लिए, बैठ जा इधर ही बैठ, ब्रूनो बैठ जा, बैठ जा बैठ जा इधर, बैठ जा बैठ जा बैठ जा ब्रूनो, बैठ बैठ सेट, अब तू भी मत करना परेशान, ठीक है ब्रूनो को? इतनी बड़ी बेड शीट पे बैठेगा क्या हैं? अच्छे से बिछाना है, ओके बहुत इम्पोर्टेंट। पैर नीचे कर, पैर नीचे कर,
पैर तो पैर नीचे कर। गर्वित की बेड से अपने लिए बेड शीट। खा लिया? ले ऑरेंज भी ले जाए यहाँ से गर्वित। ले किनो फिर ले जाओ। नहीं खाना? छिड़क लाऊं? नहीं तो छिलके खुद ही खा लेना यार, प्लेट मत ले जा। पान खा पान सबसे खा अच्छा गर्वित है, देखना कितने अच्छे से बैठ के खा रहा है। वेरी गुड गर्वित। तो यस गाइज, खाना वगैरह भी खा लिया और छत मास थोड़ी बैठ के माल्टा वगैरह भी खा लिया सभी लोगों ने हमने। और गर्वित ने बताया क्या करा है, देखिए नीचे यहाँ बिछा रखा है अपने बैठने के लिए, वहाँ पर नहीं बैठा बेड में, उसको यहाँ नीचे बैठना था। और कपड़े वगैरह भी आज सारे कपड़े हमारे अच्छे से सूख गए। तो गाइज मैं भी जा रही हूँ अब नीचे, क्योंकि अभी बर्तन धोने का काम भी करना पड़ेगा। छिलके ही फेंक दो क्या? चल किसमें? सामने। अच्छा इसमें। तो गाइज जो भी वो होता है ना, जैसे छिलके वगैरह, हम ना उनको पेड़ों में डाल देते हैं क्योंकि उससे खाद अच्छा बन जाता है। जैसे परसों मैंने चुकंदर के पराठे बनाए थे, तो चुकंदर था ना जो, उसके छिलके भी मैंने सब यहीं डाल दिए। बस जो छिलके हम छत में नहीं डालते वो है, एक तो आलू के छिलके, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसलिए आलू के छिलके हम छत में डालते नहीं। मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है? ठीक है, सुन रहे हो? तो मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ब्रूनो भूख रहा है। सामग्री वगैरह लेके बर्तन धो लेती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद कपड़े लेने आना पड़ेगा छत में, और छत के बड़े चक्कर लग जाते हैं बार बार। लून रोटी खाएंगे। देखिए कितना ढेर है बर्तनों का, इतना बर्तन के ढेर हो गया। आप बर्तन धो लेते हो फटाफट से, आपसे फिर मिलती हूँ। क्या हुआ? ऊपर नहीं आना, हाँ वहीं पे बैठे रहना आराम से, ठीक है? अभी जाएगा छत में चाय पीने दे, फिर जाएगा। अब बैठे रह, अभी नीचे बैठ जा, सेट बैठ जा, नीचे बैठ जा, ऊपर नहीं आना है अभी, हाँ नीचे बैठे रहना। हाँ गुड्डू, अपन तो गुड्डू गुड्डू और गुड्डू और सब आ रहा है, आ जा 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 मेरे को ना, आ जा मेरे को ना, ओ जा ले ले काव 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 ये तो तुम्हारे बराबर हो गया लंबा, ऐसा खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा, ऐसे खड़ा, ऐसे खड़ा हो गया, तुम्हारे कंधे के बराबर पहुंच लग गया ब्रूनो। तो गाइज जब हमें ब्रूनो को क्लिनिक ले जाना है, क्योंकि उसको नहलाना है और उसके नेल्स वगैरह कटवाने हैं आज, तो फटाफट से ब्रूनो को लेके जाते हैं क्लिनिक। ब्रूनो इधर आ, देख रहा हूँ उसको खाने के लिए क्या चीजें चाहिए।
तो गाइज ब्रूनो का पानी हो चुका है गर्म और वो फटाफट से नहाने लग गया है और उसके यहाँ पर अच्छे से अब बाल बाल सुखाए जा रहे हैं। तो गाइज ब्रूनो को बड़ा ही आनंद आ रहा है अभी नहा धो के, यहाँ पर उसकी मसाज भी चल रही है जी। तो गाइज ये लो हमारा हीरो आ गया नहा के। तो गाइज यहाँ पर ब्रूनो के जो है अभी थोड़ी मालिश वालिश हो रही है, उसके बाल बाल ठीक कर रहे हैं यहाँ पर भैया, और उसके बाद इसकी देखिए कंघी हो रही है क्योंकि इसके बाल यही लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ घर में, बाल तो डेली ही बनाते हैं पर क्लिनिक में नहा धो के तो हमने कहा यहीं पर थोड़ी से अच्छे से बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर उसके कान वान अच्छे से साफ़ हो रहे हैं, माय गॉड गंदगी तो काफ़ी आ रही है इसके कानों से, इसको बड़ा ही अच्छा लग रहा है इसके जो कान वगैरह साफ़ हो रहे हैं ना। तो गाइज ब्रूनो को तो बड़े मज़े आ रहे हैं, हमें लगा था टिक्स वगैरह तो नहीं हो रहे पर कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्रूनो एकदम क्लीन था। ये लो भैया इसके लिए बिस्किट भी ले आए, नखरे तो खूब मारता है खाने में, चलो खाने लग गया फाइनली। तो गाइज जब ब्रूनो की नेल्स काटने की बारी आ गई है तो नेल्स देखे तो उसके नेल्स हैं ही नहीं बिल्कुल भी, ब्रूनो के नेल्स बहुत कम हैं, पूरे घिस चुके हैं क्योंकि वो खेलता रहता है ना, तो इसलिए ब्रूनो के नेल्स थे ही नहीं। तो गाइज फिर उसके बाद आई इतनी छोटी सी क्यूटी पाई कैट जिसके साथ हमने पहले बनाई वीडियो, फिर खींची खूब सारी फ़ोटो, फिर हमने लास्ट में उसको क्या किया, ले ली होगी या नहीं ली होगी बताइए आप लोग। तो गाइज उसके बाद हमने इसके साथ बड़ी अच्छी अच्छी, इतनी अच्छी थी ना मैं क्या बताऊँ आपको, तो हमने फिर इसको लिया ले ली। ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, फिर डॉक्टर साहब से बात करके फिर हम चल दिए घर की साइड को। तो गाइज घर की साइड गए, ब्रूनो बड़ा भौंक रहा था, फिर उसको जैसे उतरे पार्थ लेके गया ऊपर, मुझे तो पूरा ही खींच दे रहा था। तो गाइज फिर घर आते ही उसको पानी प्यास लग गई, पानी वानी पिया फटाफट से ब्रूनो ने। तो गाइज पूजा पाठ भी हो गई है शाम की और ब्रूनो वहाँ से देखिए कितने अच्छे से सो रखा है। आज ब्रूनो नहा के आए तो उसको इतना रिलैक्स हो रहा होगा, इतना अच्छा लग रहा होगा, तो आराम से सो गया। और यहाँ पर हस्बैंड का बिस्तर भी लग चुका है, सोने की तैयारी चल गई है हस्बैंड की, पर मेरी अभी तैयारी नहीं हो रही है, मैं तो अभी पहले बनाने जा रही हूँ खाना, रात का खाना खाने में बनाने जा रही हूँ मैं गोभी की सब्जी जो हमारी कट चुकी है, और उसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी मटर और साथ में बनाऊंगी रोटियां। तो गाइज खाना वगैरह खा लिया है और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जो मैं डेली के ब्लॉग डालती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे, पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। बाय बाय करो, बाय बाय।